हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलो आज हम करेंगे हैक, क्योंकि अभी हैक का ट्रेंडिंग बहुत ही चल रहा है। जिसको देखो बस हैक ही किए जा रहा है, हैक पे हैक, हैक पे हैक। तो अभी मैंने सोचा चलो हम भी क्यों पीछे रह जाए, हम भी करेंगे हैक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हैक करने के लिए, चॉकलेट वाला हैक है यहाँ पे। तो ये हैक करने के लिए मैंने ले लिया एक बेकिंग ट्रे जो ओवन प्रूफ है, और उसको उसके अंदर मैंने रखा ये चॉकलेट मिल्की बार व्हाइट कलर का, और यहाँ पे रखा है डेरी मिल्क। ठीक है, ये दोनों खुल के मैंने लिए। जो हैक मैंने देखा था उसमें तो बहुत सारे कलर के उन्होंने चॉकलेट यूज़ किया था, दो तीन चार शायद थे उनके पास, लेकिन मेरे पास तो बस अभी यही अवेलेबल है, तो मैं तो इसे ही काम चलाने वाली हूँ। तो मैंने ये दो कलर के चॉकलेट ले लिए और उसको बटर पेपर के ऊपर अच्छे से ऐसे सीक्वेंस में वन बाय वन एक लगा दिया, उसको रख दिया। और ये देखो बड़ी सी थी मिल्की बार तो नहीं आ रही थी, उसको पीसेस करके मैंने जैसे कैसे उसको अंदर सेट कर दिया। और इसको मैं अभी ओवन में मैंने रखा है 10 मिनट्स के लिए, 7 मिनट्स के लिए मैंने रखा था। तो 7 मिनट्स में अच्छे से मेल्ट हो गया, और अगर आपका नहीं होगा तो 1-2 मिनट्स के लिए और रख सकते हो, लेकिन बार बार चेक करिएगा क्योंकि ये जल जाएगी, शायद ज़्यादा रखेंगे ना भूल जाएंगे रख के तो जल जाएगी। ठीक है, और अब उसको देखो उसके ऊपर मैंने फोर्क से चित्रकारी अपनी स्टार्ट कर दी है बनाने के लिए, लेकिन ये देखो मेरे से इतनी अच्छी बन नहीं रही है। वो हैक में तो उनकी डिजाइन इतनी मस्त बन रही थी, और मेरी तो मैंने तो बस कुछ भी करके ये दोनों चॉकलेट को मिक्स कर दिया ऐसे कैसे करके, लेकिन चलेगा। देखने में तो इतना ठीक लग रहा है, लेकिन टेस्ट में बस शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि दो चॉकलेट मिल्की बार एंड ये डेयरी मिल्क दोनों ही टेस्टी होती है। और ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए गोल्डन एंड सिल्वर कलर के, और उसको मैंने फिर से फ्रिज में रख दिया 10 मिनट्स के लिए। मैंने फ्रिज में रख दिया उसको सेट होने के लिए, लेकिन शायद मुझे और 10 मिनट्स के लिए रखना चाहिए था, क्योंकि जो डेयरी मिल्क चॉकलेट है ना वो सेट नहीं हुई है, जो मिल्की बार ना वो तो अच्छे से फटाफट सेट हो गई, लेकिन डेयरी मिल्क बाहर से तो लग रहा था सेट हो गई, लेकिन अंदर से थोड़ी सी मेल्टेड थी। तो और मैंने 10 मिनट्स के लिए रखा होता ना तो अच्छे से सेट हो गई होती, और ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, हाथ से मैंने इसको तोड़ दिया। मैंने है ना निकाल के उसको अच्छे से शेप में थोड़ा सा कट करना चाहिए था, मोल्ड से आप वो आते ना बिस्किट कुकीज़ वाला मोल्ड, उससे भी कर सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, और स्क्वेयर या कोई भी सर्कल शेप भी आप दे सकते हो। तो उससे क्या है जो डेकोरेशन के लिए आपको यूज़ करना है तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और देखो अभी खाने में तो टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे रुद्र पे, तो उसको तो दोनों चॉकलेट मिक्स हो गई तो बहुत ही अच्छा लगा, उसको तो वैसे भी चॉकलेट पसंद है लेकिन दोनों मिक्स तो बहुत ही अच्छी लगी। ओके गाइस, अगर आपको मेरा ये हैक पसंद आया तो प्लीज़ ये मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।